हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू वन शॉट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगू वो बहुत ही ज़्यादा इंजर हो चुके थे। वो बेड पर सोए हुए थे और तियांग उसके पास ही बैठा हुआ था। तियांग जंगू से कहता है, आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आने के लिए कहा? मैं तो अपने घर जाने के लिए आया था, मुझे अपने पेरेंट्स को सरप्राइज देना था। तो जंगू कहता है, मैं क्या करता, मुझे तुम्हें यहाँ पर ही लेकर आना था। तियांग कहता है, क्या मतलब, मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? जंगू कहता है, देखो मैं तुम्हें मुझे कहीं और लेकर जाने के लिए नहीं बोल सकता था, हमें यहाँ पर ही आना था। तियांग कहता है, लेकिन क्यों? ये जगह बहुत ही अजीब है, मुझे बहुत ही डर लगता है, मैंने इससे पहले ऐसी जगह पर नहीं आया है, और मैं तो अपने घर जाने के लिए आया था। बहुत दिन बाद मैं स्विट्ज़रलैंड था, पूरे 7 साल बाद मैं कोरिया वापस आया हूँ, और मैं अपने पेरेंट्स से मिलना चाह रहा था। लॉन्ग टाइम के बाद मुझे अपने पेरेंट्स से मिलने के मौका मिलता, लेकिन तुम इतने इंजर्ड थे कि मुझे तुम्हें हेल्प करना भी था। तुम मुझसे हेल्प मांग रहे थे तो मैं मना नहीं कर पाया, लेकिन अब जब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और तुम पहले से ठीक हो, तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। देखो मैंने तुम्हारा हेल्प किया है, तो फिर तुम्हें मुझे यहाँ से जाने देना चाहिए। जंगू कहता है, क्या मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँ? ऐसा नहीं हो सकता है। तियांग कहता है, लेकिन क्यों? तुमने उस टाइम पर मुझसे हेल्प मांगा था, मैंने वो किया भी, तो अभी तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मेरे पेरेंट्स बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा होगा, मैंने सोचा कि उन लोगों को सरप्राइज दे दूंगा, लेकिन तुमने सब कुछ खराब कर दिया। 24 आवर्स से मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तो मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे पता नहीं था कि तुम माफिया हो, अगर मुझे पता होता तो। तियांग की बात सुनकर जंगू कहता है, क्या अगर पता होता तो तुम क्या करते, मेरी हेल्प नहीं करते क्या? जंगू कहता है, तो तुम मुझे वहाँ पर मरने के लिए छोड़ देते? तियांग कहता है, नहीं मैं ऐसा तो नहीं कर सकता था, लेकिन मैं सोचता ज़रूर। तियांग की बात सुनकर जंगू कहता है, तो ठीक है, तुम्हें यहाँ से जाना है ना, तो जाओ यहाँ से, मैं अभी देखता हूँ तुम कैसे जाते हो। तियांग कहता है, मैं क्यों नहीं जा पाऊँगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुनसान है, कोई नहीं है, एक तुम और मैं ही हूँ। मुझे यहाँ पर बहुत ही अजीब सा और डरावना सा लगता है, मैं इतनी अकेला महसूस करता हूँ कि मैं क्या बताऊँ, और तुम ऊपर से माफिया हो, हम लोग एक ही रूम में नहीं रह सकते हैं। देखो मैंने एक रात तो गुजार दिया है तुम्हारे साथ, लेकिन और नहीं रह सकता हूँ। इससे पहले कि तुम मुझे कुछ और कहो, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। जंगू कहता है, तुम्हें रोका किसने है, जाओ तो फिर। और तियांग वो उठकर जाने ही लगता है, अचानक जंगू बेड से गिर जाते हैं। तियांग कहता है, क्या हुआ, तुम गिर कैसे गए? देखो तुम अगर ऐसे ही करते रहोगे तो मैं कैसे जा पाऊँगा? तियांग की बात सुनकर जंगू कहता है, क्यों, अब तो तुम बोल रहे थे अगर माफिया को हेल्प करना होता तो तुम एक बार सोचते जरूर, लेकिन अभी तो तुम दौड़ कर आ गए मेरी हेल्प करने के लिए। आखिर तुम इंसान भी ना बहुत ही ज़्यादा दिल से सोचते हो। तियांग कहता है, तुम भी इंसान ही हो, तुम कोई हैवान नहीं हो। जंगू कहता है, क्या, लेकिन हर किसी को तो मैं हैवान लगता हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं लगता हो क्या? तियांग कहता है, नहीं। तियांग की बात सुनकर जंगू कहता है, क्या मतलब, तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? तियांग कहता है, तुम हम जैसे इंसान ही हो, लेकिन तुम थोड़ा सा हम में से अलग बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बन नहीं पा रहे हो। हाँ तुम माफिया होंगे, लेकिन मुझे तुमसे डर नहीं लगता है। जंगू कहता है, क्या तुम मुझसे डर नहीं रहे हो? कुछ देर पहले तो बोल रहा था तुम्हें यहाँ पर डर लगता है, ऊपर से मैं माफिया हूँ मेरे साथ रहने में भी। तियांग कहता है, हाँ एक पल के लिए लगा था, लेकिन अभी मुझे उतना डर नहीं लग रहा है। एक रात गुजारने के बाद सारी डर जो है वो कम हो गया है। जैसे मुझे पता चला था कि तुम माफिया हो, मुझे लगा था शायद तुम्हारी जान बचाने के बाद तुम मुझे जान से मार डालोगे। जानकू कहता है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तियांग कहता है, क्योंकि माफिया कभी उस इंसान को जीने नहीं देता है जिसको उसके घर का पता चल जाता है, या फिर उसके अस्ताना का जहाँ पर वो रहता है।
वो अपनी उस एड्रेस को किसी को नहीं बताते हैं, वो हमेशा उसको गुप्त रखते हैं। जनकुक कहता है, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, तुम्हें जान से मार डालूंगा? तियांग कहता है, मुझे ऐसा लग रहा था पहले, लेकिन अभी नहीं लगता है। जनकुक कहता है, लेकिन वो क्यों? मैं भी ऐसे ही कुछ करने वाला हूँ, अब तुम्हारी क्या सोचना है? तियांग कहता है, तो ठीक है, मार डालो मुझे। जनकुक कहता है, जब तक मैं ना चाहूँ तुम कहीं नहीं जा सकते हो, और जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता हूँ तब तक मैं तुम्हें जान से नहीं मारने वाला हूँ, तो तुम अपनी ज़िंदगी को जी सकते हो। तियांग कहता है, क्या मैं यहाँ पर रहकर अपनी लाइफ को कैसे जीऊँगा? मैं तो यहाँ पर ऐसे ही दम घुटकर मर जाऊँगा, क्योंकि मुझे लोगों के साथ खुश रहना पसंद है। मैं लोगों के साथ बातें करना पसंद करता हूँ, घूमना पसंद करता हूँ। यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई नहीं है। मुझे लोगों की गैदरिंग पसंद है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है ऐसा। जनकुक कहता है, क्या तुम बहुत ही अजीब सा हो, मुझे तो लोगों की गैदरिंग बहुत ही ज़्यादा बकवास लगता है, मुझे ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं है। तियांग कहता है, इसलिए तुम शायद लोगों को जान से मार डालते होंगे, लेकिन मुझे लोग पसंद है, मुझे आसपास के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। जनकुक कहता है, लेकिन क्यों? तियांग कहता है, आसपास जो लोग चलते रहते हैं ना, वो लोग अपना अपना काम करते रहते हैं, उन लोग को देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तुम अगर ध्यान से देखोगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा। हर किसी के पास काम होते हैं, हर किसी के काम करने की तरीका भी अलग होते हैं। जनकुक कहता है, तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे अच्छा लगा, मैं इसके बाद ध्यान से देखने की कोशिश करूँगा। तियांग की पेट में से आवाज़ निकालता है। जनकुक कहता है, लगता है तुम्हें भूख लगी है। तियांग अपना सर हिलाता है। जनकुक कहता है, लगना भी चाहिए, आंखें बहुत देर हो चुकी हैं, हम दोनों ही 24 आवर्स से कुछ नहीं खाया है। मुझे लगता है तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा, क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए आसपास कुछ नहीं था। आई एम राइट? तियांग अपना सर हिलाता है और कहता है, तुम यहाँ पर रहते हो हमेशा? जनकुक कहता है, हाँ, लेकिन क्यों? तियांग कहता है, तो तुम खाते क्या हो? यहाँ पर तो आसपास खाने के लिए मुझे कुछ नहीं मिला। तुम जब बेड पर पड़े हुए थे, मैं तुम्हें इलाज करने के बाद यहाँ पर लेटा दिया था, तुम सो रहे थे, लेकिन मैंने पूरे रूम में खाना ढूंढा, मुझे कुछ नहीं मिला। जनकुक कहता है, क्योंकि तुम इस रूम के बाहर नहीं जा पाए। इस रूम से अगर बाहर चले जाते ना, तो तुम्हें बहुत सारा खाने देखने को मिलता। जनकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, क्या, लेकिन वो कैसे? हम लोग तो जब आए थे तब सिर्फ इस रूम के अलावा मुझे और कुछ दिखा ही नहीं। तुम क्या बोल रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जनकुक कहता है, वो मैं तुम्हें पीछे के दरवाजे से लेकर आने के लिए कहा था। मुझे सामने वो दरवाज़ा देख रहे हो? तियांग कहता है, कहा, यहाँ पर तो कोई दरवाज़ा नहीं है। जनकुक कहता है, सामने ही है, अच्छे से देखो। तियांग नोटिस करता है, एक मिरर के अलावा और कुछ नहीं था। जनकुक कहता है, उसको जाकर हाथ से हटाओ, देखना तुम्हें दरवाज़ा मिल जाएगा। तो फिर तियांग ने वैसा ही किया और बहुत ही शौक हो गए। दरवाज़ा खोलने के बाद तियांग को बहुत बड़ा सा बगीचा देखने को मिला, और यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे, फ्रूट से लेकर बहुत कुछ था खाने के लिए, और पकाने के लिए भी यहाँ पर सब्जी भी था। जनकुक कहता है, तुम्हें खाना बनाना आता है? तियांग कहता है, बहुत अच्छे से, मैं जब बाहर था ना, मैं खुद ही खाना बनाता था, क्योंकि मैंने 7 साल पहले ही अकेले रहने के बारे में सोच लिया था, पढ़ाई के लिए मुझे दूर जाना पड़ा। जनकुक कहता है, तो फिर सोच क्या रहे हो, वहाँ से जो मन करे जाकर तोड़ लो और खाना बनाना शुरू करो। तियांग कहता है, लेकिन खाना कहाँ बनाएंगे, यहाँ पर तो मुझे कहीं पर भी किचन नहीं देखने को मिला। जनकुक कहता है, तुम्हें वो देखने को मिलेगा, अच्छे से जाकर ढूंढ लो, तुम्हें वो मिल जाएगा। तो फिर तियांग कहता है, अगर मैं यहाँ से भाग गया तो? जनकुक मुस्कुराते हुए कहता है, एक बार कोशिश करके देखो। तियांग कहता है, क्या मतलब, आखिर तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम यहाँ पर बैठे हुए हो, मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें यहाँ पर बंद करके यहाँ से भाग भी सकता हूँ। जनकुक कहता है, वही तो, कोशिश करके देखो। तो फिर तियांग सच में जनकुक को रूम में बंद कर दिया और वो बाहर निकले, सब्जी तोड़ने लगे, फ्रूट्स भी लेने लगे जनकुक के लिए। उसके बाद वो
सब कुछ घूमकर देखने लगे। उसको किचन मिल गया खाना पकाने के लिए, वहाँ पर फ्रिज भी था। फ्रिज पर मीट से लेकर मटन और फिश सब कुछ था। तियांग फ्रिज में से चिकन निकलकर सूप बनाता है जंकू के लिए। उसके बाद बहुत सारा फ्रूट काटने के बाद उसका सलाद बनाते हैं और थोड़ा सा सब्जी भी बना लेते हैं अच्छे से। उसके बाद तियांग को एक बहुत ही अच्छा सा रूम मिल जाता है जहाँ पर सोफा लगा हुआ था। ये सब कुछ बहुत ही अजीब सा लग रहा था लेकिन देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। तियांग वहाँ पर सारे ऋषि को रख देते हैं और वो यहाँ से निकलने की रास्ता ढूंढ रहा था। तियांग को यहाँ से भागने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला। तियांग मुस्कुराते हुए कहता है, इसीलिए वो मुझे कह रहा था कोशिश करने के लिए, क्योंकि यहाँ से जाने की कोई रास्ता नहीं है। तियांग सोच सोच कर परेशान हो गया था। वो सोफे पर बैठ जाते हैं और अपना सर पकड़ लेता है। जंकू कहता है, क्या हुआ, वो अब तक वापस क्यों नहीं आए, या फिर वो यहाँ से भाग गया? शायद उसको रास्ता मिल गया होगा, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो जंकू को लगा शायद तियांग यहाँ से जा चुका होगा, इसलिए जंकू बेड से उतारने के बाद वो दरवाज़ा खोलकर सीधा हॉल में आ जाता है जहाँ पर सोफ़ा लगा हुआ था और टेबल भी। जंकू को पहली नज़र में ही टेबल पर सजा हुआ वो खाना नज़र आ जाता है। तो फिर जंकू सोफे पर आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, तो उसने मेरे लिए इतना सारा खाना बनाकर छोड़ दिया और वो खुद चले गए। जंकू उस सूप की बोल में से सूप को पीने लगे। अचानक तियांग की आवाज़ सुनकर जंकू शॉक हो जाते हैं। तियांग कहता है, क्या हुआ, सूप टेस्टी बना या नहीं? जंकू तियांग को देखकर कहता है, तुम यहाँ से गए नहीं? तियांग कहता है, क्या मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ, तुम्हारी तबीयत खराब है, मुझे तुम्हारी ध्यान रखना था तो मैंने सोचा कि यहाँ पर रुक जाते हैं। जंकू कहता है, या फिर तुम्हें जाने के लिए दरवाज़ा नहीं मिला? तियांग कहता है, दोनों ही। जंकू कहता है, तो फिर ठीक है, चलो साथ में खाना खाते हैं। उसके बाद दोनों साथ में मिलकर खाना खाने लगते हैं। जंकू कहता है, तुम यहाँ पर आने के बाद क्या करने के बारे में सोच रहे हो? तियांग कहता है, मैंने डॉक्टरी किया है तो मुझे यहाँ पर एक हॉस्पिटल खोलना है और मरीज की जान बचाना है। तियांग की बात सुनकर जंकू कहता है, इसका मतलब तुम एक डॉक्टर हो? तियांग कहता है, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं डॉक्टर नहीं होता तुम्हारा इलाज कैसे करता? जंकू कहता है, ओ माई गॉड, मैंने अनजाने में ही एक डॉक्टर से ही हेल्प मांग लिया, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। मैं भी तो कहूँ, मैं इतनी जल्दी ठीक कैसे हो रहा हूँ? तियांग कहता है, वो मैंने तुम्हें एक दवाई खिलाया था जिससे तुम्हारी बॉडी की दर्द चला जाएगा। जंकू कहता है, हमेशा अपने पास दवाई रखते हो क्या? डॉक्टर हो, रखना भी चाहिए, चलो मेरे काम आ गए। लेकिन तुम यहाँ से भाग कैसे नहीं पाए? मुझे लगा तुम बहुत ही समझदार हो, तुम यहाँ से जाने की रास्ता ढूंढ लोगे। तियांग कहता है, लगता है उतना भी समझदार नहीं हूँ मैं, वरना अब तक यहाँ से भाग चुका होता। जंकू कहता है, कोई बात नहीं, लगता है कुछ दिन तुम्हें मेरे साथ और रहना पड़ेगा। तियांग कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसके बाद दोनों बहुत ही थका हुआ था। जंकू कहता है, जाओ जाकर तुम बेड पर जाकर सो जाओ, मैं यहाँ पर ही सो जाता हूँ। तियांग कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम बीमार हो, तुम्हें अभी रेस्ट करने की ज़रूरत है और तुम जाकर बेड पर रेस्ट करो, मैं सोफे पर सो जाता हूँ। ऐसे भी सोने के लिए यहाँ पर जगह की कमी नहीं है, मैंने देखा है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद आया। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था एक ही रूम है और वहाँ पर दम घुट रहा था, लेकिन जैसे तुमने मुझे ये दिखाया ना, मिरर के पीछे दरवाज़ा, उसके बाद इतने अच्छे बगीचे, यहाँ पर कितने फूल पौधे और फ्रूट्स हैं, मुझे सब कुछ बहुत पसंद आया। इतना अच्छा लग रहा था कि मुझे यहाँ से जाने का मन ही नहीं करा। मैंने एक बार तो दरवाज़ा ढूंढने के लिए सोच लिया था, दूसरी ही पल में मुझे लगा नहीं मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए। जंकू कहता है, लेकिन क्यों? मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए था, क्योंकि मैं एक माफिया हूँ और मेरा इरादा बदल सकता है, मैं कभी भी तुम्हें जान से मार सकता हूँ। तियांग कहता है, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मुझे लगा तुम्हारी ठीक होने तक मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ध्यान रखने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। जंकू कहता है, तो तुम डॉक्टर हो और इसके साथ साथ तुम एक बहुत दिल के अच्छे इंसान भी हो। तियांग
जंगकुक के मुँह से उसकी तारीफ सुनकर उसको अच्छा लगा। तो फिर तियांग कहता है जंगकुक से, चलो मैं तुम्हारी बेडरूम में लेकर चलता हूँ, वहाँ पर जाकर लेट जाओ और खुद को थकाओ मत। तियांग जंगकुक को पकड़ कर उसकी बेडरूम में लेकर जाने लगते हैं। तियांग शायद भूल चुका था कि जंगकुक चलकर इस रूम में आए हैं, वो चल सकता है, लेकिन उसने उसको सपोर्ट दिया। तो जंगकुक ने भी वो भूल गया कि वो चल सकता है अच्छी तरह से। उसने भी तियांग का सपोर्ट लेते हुए वो बेडरूम में जा रहा था। बेडरूम में जाने के बाद तियांग जंगकुक को बेड पर सुलाने के लिए आगे अपने कदम बढ़ा ही रहा था, लेकिन जंगकुक और तियांग दोनों ही साथ में बेड पर गिर गए। जंगकुक नीचे था, तियांग ऊपर थे। जंगकुक तियांग को कुछ नहीं कहता है, उसकी बॉडी में पेन हो रहा था, लेकिन तियांग भी जंगकुक के ऊपर से नहीं उठ रहा था, वो भी जंगकुक को देखे जा रहा था। जंगकुक की बॉडी पूरी तरह से हैंग हो गए थे। तो फिर कुछ देर बाद जैसे ही तियांग को होश आया कि नहीं, उसको उसके ऊपर से उठ जाना चाहिए, तो तियांग जैसे जंगकुक से अलग होने की कोशिश कर रहा था, वो धर्म से जंगकुक के ऊपर गिर जाते हैं। जंगकुक पहली बार आवाज़ निकल कर कहता है, तुम क्या कर रहे हो, मुझे मारना चाहते हो क्या? अगर मुझे ऐसे ही मारना था तो बचाया क्यों? तियांग कहता है, क्या अब मैंने क्या किया है, मेरी गलती नहीं है, वो गलती से हो गया है। तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, तुम्हें पता भी है कि मेरी बॉडी इस टाइम पर हिल भी नहीं पा रहा है। तियांग कहता है, क्या रुको मैं चेक करता हूँ। तियांग कहता है, सॉरी वो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने अपनी बॉडी वेट पूरा तुम्हारे ऊपर दे दिया। तो जंगकुक कहता है, हाँ हाँ ठीक है, तो अब कुछ करो ताकि मैं हिल सकूँ। उसके बाद तियांग जंगकुक को मदद करते हैं उसको बेड पर लेटाने के लिए। उसके बाद तियांग जंगकुक से कहता है, तो तुम सो जाओ, मैं हॉल में जाकर सो जाता हूँ, कुछ चाहिए होगा तो मुझे आवाज़ लगाना। जंगकुक कहता है, मैं यहाँ से तुम्हें कैसे बुलाऊँगा, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं क्या करूँगा, एक काम करो तुम ही यहाँ पर रह जाओ। तियांग कहता है, लेकिन मैं यहाँ पर कैसे रह सकता हूँ। जंगकुक कहता है, क्यों नहीं रह सकते हो, चलो मेरे पास में ही सो जाओ, ऐसे भी मैं अब इंजर्ड हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला हूँ। तियांग कहता है, तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे, मुझे बॉक्सिंग आता है। जंगकुक कहता है, मुझे डराने के लिए बोल रहे हो क्या, और मुझे खुद को बचाना आता है। तियांग कहता है, मैं तुम पर ऐसे भी कुछ नहीं करने वाला हूँ, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। जंगकुक कहता है, लेकिन मैं तो डर रहा हूँ तुमसे, तुम बॉक्सर जो हो। तियांग कहता है, वो तो मज़ाक कर रहा था मैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही खुलकर बातें कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। तियांग कुछ देर के लिए भूल ही जाते कि जंगकुक माफिया है। जंगकुक खुद के हंसी की आवाज़ सुनकर खुद ही डर गए और वो खुद को कहने लगे, क्या मैंने अभी मुस्कुराया? तियांग ने कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? जंगकुक कहता है, क्या तुम्हारे साथ मैं भी मुस्कुरा रहा था? तियांग कहता है, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर कोई और है क्या तुम्हारे और मेरे अलावा? तुम और मैं ही तो हंस रहे थे, लेकिन ऐसे क्यों पूछ रहे हो तुम? तो फिर जंगकुक कहता है, वो कुछ नहीं, छोड़ो भी। तियांग कहता है, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है, रात को दोनों ही नहीं सो पा रहा था। ऐसे ही दिन बीतते जा रहा था, नेक्स्ट डे भी वो दोनों साथ में ही सोने वाले थे, क्योंकि जंगकुक ने तियांग से कहा, अगर रात को मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत पड़ेंगे तो। तो फिर तियांग जंगकुक के साथ सो गए, क्योंकि अब उन दोनों के साथ में सोते हुए 2-3 दिन हो चुके थे, दोनों कंफर्टेबल हो चुके थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद अचानक एक दिन तियांग रात को जंगकुक की होठों पर किस कर लिया नींद में ही। जंगकुक बहुत ही शौक हो गए, उसकी नींद टूट गए। तियांग की वो नरम नरम होठों की किस जंगकुक को भा गए, और जंगकुक ने तियांग को और भी डीपली किस करने के बारे में सोच ही रहा था। उसको तो तियांग के ऊपर से अपनी नज़र हटा नहीं पा रहे थे। तियांग अचानक नींद में जंगकुक की उस पार्ट पर हाथ लेकर जाते हैं जो तियांग ने सोचा भी नहीं होगा। जैसे ही तियांग के हाथ वहाँ पर लग जाते हैं, तियांग नींद से उठ जाते हैं और वो जंगकुक की होठों के पास जो उसकी होठ बिल्कुल अटैच किया हुआ था, और तियांग नींद में बिल्कुल एक प्यारी सी कैट की तरह जंगकुक की होठों पे अपनी टंग से शक कर रहा था। और यहाँ पर जंगकुक की उस प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगने के बाद तियांग तो बिल्कुल शॉक रह गया, वो बहुत ही हार्ड था। जो तियांग अपना हाथ हटा लेते हैं और वो डर जाते हैं,
वो बेड से सीधा उठकर नीचे खड़े हो जाते हैं और कहता है, सॉरी वो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने जानबूझकर वहाँ पर हाथ नहीं लगाया है, सॉरी मुझसे गलती हो गया। तुम नाराज़ तो नहीं हो ना? जानकू कहता है, क्या तुम मुझे सिर्फ सॉरी बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है? अभी तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए था जो तुमने किया है। तियांग कहता है, ऐसा मैंने क्या कर दिया? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? जानकू कहता है, तुमने अभी क्या किया? तुमने मुझे किस किया है? डैमेट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने का? एक माफिया को तुम कैसे किस कर सकते हो? जानकू की बात सुनकर तियांग डरते हुए कहता है, मैंने जानबूझकर नहीं किया है, वो गलती से हो गया होगा। जानकू कहता है, और तुमने अपना हाथ कहाँ लेकर आए थे, क्या तुम्हें पता भी है? तियांग कहता है, वो भी गलती से ही हुआ है, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। जानकू कहता है, क्योंकि मैं इंजर्ड हूँ, तुम इसका फ़ायदा उठाना चाहते हो क्या? तुम्हें अच्छी तरह से पता है मेरे बैक साइड पर और कमर में कितनी पेन है, तो मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ और तुम इसी का ही फ़ायदा उठा रहे हो। तियांग कहता है, मेरा यकीन करो, मैं जानबूझकर नहीं किया है। जनकू कहता है, हाँ ठीक है, अब तुम मेरे सामने से चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा। तियांग कहता है, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँगा? जनकू कहता है, क्या मतलब कहाँ जाऊँगा? दरवाज़ा वहाँ है, वो खोलकर बाहर चले जाओ। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो, आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। तियांग कहता है, तो फिर तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए परमिशन दे रहे हो? तो मैं यहाँ की दरवाज़ा खोलकर जा सकता हूँ? जानकू कहता है, हाँ तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद जानकू तियांग को वो वाला दरवाज़ा दिखाते हैं जहाँ से तियांग बाहर की दुनिया में जा सकते हैं, लेकिन तियांग दरवाजे के पास जाने के बाद रुक जाते हैं। जानकू कहता है, क्या हुआ? तुम्हें क्या लगा मैं पीछे से तुम्हें गोली मारने वाला हूँ क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। तुमने मेरा जान बचाया है तो मैं तुम्हारी जान नहीं लूँगा, और ऐसे भी मुझे पता है तुम किसी को नहीं कहने वाले हो कि मैं यहाँ पर रहता हूँ। तियांग कहता है, लेकिन तुम्हें इतना कुछ पता है तो ये भी पता होगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। जानकू कहता है, क्या मतलब? तियांग कहता है, आई मीन लव विद यू। जानकू कहता है, ये हो ही नहीं सकता है, मैं एक माफिया हूँ और तुम एक माफिया से प्यार कैसे कर सकते हो? डैमेट, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? तियांग कहता है, मुझे नहीं पता, तुम्हारा ध्यान रखते रखते मुझे तुमसे प्यार हो गया है और अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। और तियांग दौड़ कर आ जाते हैं और जानकू को हक कर लेता है। जानकू कहता है, क्या कर रहे हो तुम? मुझे मारना चाहते हो क्या? तियांग कहता है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? जानकू कहता है, मुझे प्यार की भाषा समझ में नहीं आता है, मैं सब लोगों की जान लेना जानता हूँ। तियांग कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम भी मुझे पसंद करते हो, मुझसे प्यार करना चाहते हो, तो खुद को क्यों रोक रहे हो? जानकू कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में मेरे जैसे ही बन जाए। तुम अपनी दुनिया में जाओ और जाकर खुश रहो, किसी और से शादी कर लेना और खुश रहना, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ, यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने सपने को पूरा करो। तियांग कहता है, मैं वो सब कुछ करूँगा जो मैंने सोचा है, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं साथ में रहे, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। उसके बाद तियांग जानकू को टाइटली पकड़ कर कहता है, प्लीज़ यहाँ से मुझे जाने मत दो और ख़ुद से मुझे अलग मत करना। तो फिर जानकू ने तियांग की होठों पर किस कर लिया और उसके साथ वो सब कुछ करने लगे जो जानकू को बहुत देर से करने का मन हो रहा था। उसके बाद दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे, इस जगह पर दोनों ने अपना घर बसा लिया था। इन दोनों को देखकर लग रहा था यही इन दोनों की दुनिया है, ये दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। तो ऐसे ही खुश रहे, यही पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।